स्वतंत्र चेतना टीवी से रिपोर्ट सैयद तामीर उद्दीन, महोबा। जनपदीय एसओजी एवं थाना कुलबहार की संयुक्त पुलिस टीम ने 350 क्विंटल सरसों लाही के गबन की घटना का सफल अनावरण किया है। गबन करने वाले चार जालसाज अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से 105 क्विंटल सरसों सहित बेचे गए माल के 7 लाख रुपए नकद एवं घटना में प्रयुक्त कूटरचित नंबर प्लेट के साथ ट्रक की बरामदगी की गई है। 25 अक्टूबर को थाना कुलपहाड़ में वादी गजेंद्र कुमार साहू निवासी जैतपुर कुलपहाड़ द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें वादी ने अंकित किया कि वह दिनांक 16 अक्टूबर को कटियार इंटरप्राइजेस ट्रांसपोर्टर कानपुर की ट्रक संख्या UP 9772 CT 6099 से 700 बोरी जिसमें 350 क्विंटल सरसों लाही मैसेज पान इंडिया मस्टर्ड दिल्ली से घनश्याम इंडस्ट्रीज सलोनी जिला बांकुरा पश्चिम बंगाल को भेजी थी, जो अभी तक अपने गंतव्य को नहीं पहुंचा है। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर से संपर्क करने पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, मोबाइल नंबर भी बंद जा रहा है। आशंका व्यक्त की गई कि उनके साथ धोखाधड़ी कर रास्ते में माल गायब कर दिया गया है। इस तहरीर के आधार पर थाना कुलपहाड़ ने धारा 316(3)(BNS) का अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल द्वारा उक्त धोखाधड़ी की घटना का संज्ञान लिया गया, जिसके क्रम में ट्रक तथा उसमें लदे माल की बरामदगी एवं इस घटना का सफल अनावरण एवं इसमें सम्मिलित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किए जाने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी एवं थाना कुलपहाड़ की संयुक्त पुलिस टीमों का गठन किया गया। जनपदीय एसओजी एवं थाना कुलपहाड़ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घटना के अनावरण के लिए विभिन्न साक्ष्यों संकलित कर सुरागर्सी पतारसी की गई। विभिन्न साक्ष्यों के संकलन के आधार पर पुलिस टीम को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिसके तहत पुलिस टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत धारा 316(3)(BNS) से संबंधित अभियोग में सम्मिलित चार अभियुक्त सौरभ प्रजापति उर्फ छोटू निवासी दरोगा खेड़ा थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ, हरिओम दीक्षित निवासी ग्राम शिवराजपुर थाना और जनपद फतेहपुर, रजनीश दीक्षित निवासी ग्राम शिवराजपुर थाना और जनपद फतेहपुर, प्रभाकर दीक्षित निवासी मोहल्ला चंदियाना शहर फतेहपुर को आज कुलपहाड़ नौगांव रोड रेलवे अंडरब्रिज के पहले गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गनों के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित गबन किया हुआ 220 बोरी लाही सरसों कुल वजन 105 क्विंटल तथा 7 लाख रुपए अनेक अदद कूटरचित नंबर प्लेट सहित ट्रक बरामद किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2), 317(5), 319(2), 318(4), 318(3)(3)(8)(3)(4)(0)(2)(61)(2)(BNS) की बहुतरी की गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम चारों ने योजना बनाकर आपराधिक साजिश कर कूटरचित नंबर प्लेट ट्रक में लगाकर व फर्जी नाम पता व फर्जी मोबाइल नंबर बताकर इस घटना को अंजाम दिया है। एक अदद ट्रक कूटरचित नंबर प्लेट लगा हुआ 220 बोरी लाही सरसों कुल वजन 105 क्विंटल अभियुक्त गनों से बरामद मुकदमा उपरोक्त के बेचे गए माल का 7 लाख रुपया नकद बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली संयुक्त पुलिस टीम में जनपदीय एसओजी पुलिस टीम शिव प्रताप सिंह, प्रभारी एसओजी विवेक यादव, सविलांस सेल रंजीत सिंह, निर्भय सिंह, आशीष बघेल स्वॉट टीम, दीपक वर्मा सविलांस सेल, सत्यम सिंह जादौन सविलांस सेल थाना कुलपहाड़, पुलिस टीम में कुलपहाड़ नरेंद्र प्रताप सिंह, धमेंद्र सिंह, दिनेश तिवारी, अनिल सिंह चौहान, कुलदीप सिंह, कौशल प्रताप, विनय प्रताप सिंह मौजूद रहे। सूचना पर थाना कुलपहाड़ में मुकदमा पंजीकृत कर बरामदगी के लिए टीमें गठित कर दी गई थी, जिसमें आज 7/11/2024 को चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं एक अदर खून रचित नंबर प्लेट सहित ट्रक में 220 बोरी सरसों 7 लाख रुपये व चार अदर मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अभियुक्त गण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।